हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे सब आप लोग? आज हम आपको एक मंदिर लेके जा रहे हैं जो काफ़ी साल पुराना है, और ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर जो है 2000 साल पहले का बना हुआ, इसकी स्थापना हुई है। और इसकी स्थापना जो है राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। जो विक्रम संवत शुरू होता है वो यहीं से होता है, ऐसी मान्यता है। तो हम इस मंदिर को ले जाएंगे आपको दिखाने। और ये मंदिर शनि मंदिर के नाम से मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, शिप्रा नदी के तट पर। तो हम वहाँ चलते हैं, आपको हम उस मंदिर के दर्शन वगैरह कराएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। इसको नवग्रह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अपन यहाँ से अपना शुरू करते हैं, आपको फिर बताते हैं आगे का सब कुछ कि मंदिर कहाँ है, कैसा है, इसकी क्या मान्यता है, और अमावस्या पे कैसा क्या इस पर तेल चढ़ता है, हम सब आपको दिखा रहे हैं। आगे अभी हम शनि मंदिर की ओर जा रहे हैं जो शिप्रा नदी के तट पर उपस्थित है। और ये काफ़ी साल पुराना मंदिर है, 2000 साल पुराना, जैसा कि मैंने आपको बताया है। राजा विक्रमादित्य ने इसकी स्थापना करी थी। और अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ से कम हमारे घर से जो है काफ़ी दूर है, दूर बोले तो कम से कम 5 किलोमीटर तो है, 5 किलोमीटर का रास्ता है। और काफ़ी लोग भाव की इसके ऊपर धारणा है, श्रद्धा है, विश्वास है। और उज्जैन वैसे भी जो बोला जाए तो मंदिरों का स्थान है, यहाँ पे हर प्रकार के हर देवी देवताओं के आपको मंदिर मिल जाएंगे। और यहाँ के धार्मिक लोग हैं, धार्मिक नगरी कहलाती है उज्जैन। पहुंच गए हैं, इसी रोड से हमको सीधे सीधे आगे जाएंगे तो हमारा शिप्रा तट आएगा। शिप्रा तट के ऊपर ही शनि मंदिर है, ये उसी का रास्ता है। अभी काफी धूप हो रही है क्योंकि दोपहर के अभी 3:30 बज रहे हैं, और काफ़ी सर पे सूरज चढ़ा हुआ है, धूप बहुत तेज है। रास्ता भी ख़राब हो रहा है, बीच बीच में स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, सब है, गड्ढे खुद रहे हैं। यहाँ से अब करीब 1 किलोमीटर के आसपास और बाकी रह गया रास्ता हमारा, 1 किलोमीटर नहीं, करीब 2 किलोमीटर के आसपास बाकी रह गया। और वैसे तो शनि मंदिर का महत्व शनिवार के दिन जाने से ज़्यादा रहता है, उसी दिन। बाकी हम अभी इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे उस समय काफ़ी भीड़ रहती है, और अभी कोविड के कारण भीड़ भाड़ी वाले क्षेत्र में न जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए आज हमने बुधवार का दिन चुना है जिसमें वहाँ पर भीड़ काफ़ी कम रहेगी। लाल गेट है, जो लाल गेट के नाम से बहुत फेमस है। यहाँ पर पानी की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है, काफी निर्माण कार्य तो काफी हो रहे हैं उज्जैन में। जगह बीच में इतना बड़ा जेसी भी जा रहा है,
की दीवानी, ट्रॉले पे लिखा हुआ नाकोड़ा की दीवानी। वाह, क्या क्या स्लोगन लिखे रहते हैं ट्रकों पे। ये हम शिप्रा नदी के तट पर पहुंच गए हैं। यहाँ शिप्रा नदी का दर्शन हो रहा, देखिए आप। और आगे एक जगह है जहाँ से शिप्रा में नर्मदा का पानी मिलाया जा रहा है, जो मैं आपको कैमरे में नहीं कैप्चर कर सकता हूँ। बाकी आगे की तरफ जो बिल्डिंग दिख रही है, इसी जगह से नर्मदा का पानी शिप्रा में मिलाया जाता है। ये देखिए आप, शनि मंदिर का बोर्ड आ चुका है। शनि मंदिर रामकृष्ण आश्रम भी है, आगे रुद्राक्ष क्लब रिसोर्ट से। ये हम शनि मंदिर के लिए नीचे साइड में उतर गए। काफी सुंदर जगह है, एकदम शांत और बढ़िया है, एकदम पूरा हरियाली हरियाली चारों तरफ। अभी ये दोपहर का वक्त है, इस कारण से यहाँ पर इतना भीड़ नहीं है, नहीं तो काफी भीड़ रहती है यहाँ पे। देखिए आप, ये यहाँ पे काफी बंदर मिलेंगे अपने को, क्योंकि यहाँ मंदिर क्षेत्र में बंदर काफी है। ये शिप्रा नदी साफ आपको यहाँ से दिख रही है। गंदगी काफी हो जाती है, लोग बाग धार्मिक आस्था मानकर इसमें कुछ कुछ हार फूल वगैरह सब डाल देते हैं, जो पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, आस्था बहुत अच्छी बात है, ईश्वर में होना चाहिए, बाकी इस प्रकार से गंदगी जो है ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। नदी पूरी गंदी हो रही है। ये साइड में दुकानें लगी हुई सब हार फूल की, देखिए आप ये दुकानें हैं सब। आगे देखो, सब दुकानें लगी है यहाँ पे। ये शनिवार पे काफ़ी भीड़ रहती है, जिस कारण से हम बराबर वीडियो नहीं बना सकते हैं। ये भाई बता रहे हैं हमारे दुकान, पूजा सामग्री की दुकान लेके बैठे हैं। काफ़ी अच्छी दुकान है यहाँ पर, देखो यहाँ पे तेल का जो है ना सबसे ज़्यादा वो रहता है, और शनिवार के दिन यहाँ पे मेरे ख्याल से दीदी करते हुए कुंटल भर का तेल तो चढ़ जाता होगा, एक अंदाज से बता रहा हूँ मैं। ये भाई साहब, आपका नाम क्या है? रविराज भाई साहब हैं ये, और यहाँ पे कितने साल से आपकी दुकान है? बाणनू से इनकी दुकान यहाँ पे है, सन बाणनू से, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनका जमा हुआ है सब कुछ। और ये मंदिर की स्थापना जहाँ तक मेरे को मालूम है कि राजा विक्रमादित्य ने कराई थी, और ये 2000 साल पहले की कुछ स्थापना का ऐसा बताया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर की शुरुआत यहीं से, विक्रमादित्य संवत से शुरू हुआ था ना। जी, मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। काफी अच्छे सब भाई लोग हैं यहाँ पे, अपने नाश्ता पानी चल रहा है भाई लोगों का। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे आपको शनि मंदिर के दर्शन कराते हैं। अभी तो इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि शनिवार के दिन ही इसका सबसे ज़्यादा महत्व रहता है, तो उस दिन काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। आगे त्रिवेणी घाट पे जाने का रास्ता है, देखिए यहाँ पे काफ़ी बंदर वगैरह है सब। देखिए कितने सारे बंदर बैठे हैं यहाँ पे। शनि मंदिर पे बंदर काफ़ी रहते हैं, हमेशा यहाँ पे बंदर मिलेंगे। देखिए आप,
ये नवग्रह मंदिर शनि मंदिर के नाम से फेमस है, ये नवग्रह शनि मंदिर। ये देखिए आप, नवग्रह शनि मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है। चलिए हम अंदर चलते हैं। ये हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे द्वार पे देखो आप, कितने छोटे छोटे बंदर कितने अच्छे से खेल रहे हैं यहाँ पे। देखिए आप, आपस में खेल रहे थे, उसने उसको पूंछ पकड़ के था। देखिए आप, छोटे छोटे बंदर कितने मजे कर रहे हैं। देखिए आप, चलिए हम मंदिर के और अंदर चलते हैं। देखो कैसे बैठा हुए अपने, देखो चलिए हम अंदर चल के बताते हैं आपको, क्योंकि बड़ा दुर्लभ मंदिर है अपने आप में। ये हम अंदर मंदिर की ओर जा रहे हैं। आगे प्रवेश करेंगे मंदिर के अंदर। ये सब रास्ते बने हुए हैं यहाँ से जाने के अंदर। कुछ कुछ श्रद्धालु लोग हैं वैसे तो यहाँ पर, कुछ पूजा प्रार्थना हवन कुंड वगैरह सब चल रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। पूजा वगैरह हो रही है। ये हम यहाँ पे मंदिर के द्वार पे आ गए हैं। श्री गणेश जी, श्री शनि महाराज जी की, श्री ढैया शनि देव के नाम से भी ये फेमस है बहुत। श्री गणेश जी, श्री शनि महाराज, श्री ढैया शनि देव का मंदिर है। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है। देखिए आप, यहाँ पे अंदर पंडित जी भी हैं। यहाँ पे भी एक इन सभी चीजों का अपना अपना महत्व है। मंदिर में काफी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जिस कारण से हम कमेंट्री नहीं कर पा रहे हैं, बोता नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर शनि की हवन वगैरह हो रहे हैं, काफी लोग हवन वगैरह करवा रहे हैं।
यहाँ पे पंडित जी हवन करवा रहे हैं। देखिए आप, यहाँ पे हवन वगैरह हो रहा है, पूजा हो रही है। ये त्रिवेणी संगम है, यहाँ पे शिप्रा नदी के आप दर्शन कर सकते हैं। तीन नदियाँ आपस में मिल रही, त्रिवेणी है, तीनों का संगम है। देखिए आप, आगे भी हम आपको सब दिखा रहे हैं, यहाँ से पूरा व्यू आप देख सकते हैं। आगे पूरे घाट पे पूरे बैरिकेड्स लगा दिए हैं, इसलिए लगा दिए हैं ताकि कोई वहाँ नज़दीक ना जाए, क्योंकि कोविड के कारण सब दूर सब लॉक लगा हुआ है पूरा। फिर भी हमारे को अंदर आने की अनुमति मिल गई, हम अंदर आ गए हैं परमिशन लेकर। यहाँ पे हवन और पूजा वगैरह होती है, अभी भी हवन चल रहा है। मंदिर में है हमारे को, यहाँ पर एक यहाँ के जो संचालक है, यहाँ के जो मुखिया है पंडित जी, जिनसे हमारे यहाँ मुलाकात हुई है, वो आपको इस मंदिर के बारे में जानकारी देंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है, मंदिर कब से है, इसका क्या महत्व है, सब बताएंगे। चलिए अब आगे पंडित से, आपके पंडित जी सर, आपका नाम बताइए पंडित जी। मैं जयसी महाकाल जी शनिदेव, मेरा नाम जितेंद्र बैरागी है, पुजारी नोगर शनि मंदिर से पुजारी हूँ मैं इस मंदिर का। और यह मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है, यह राजा विक्रमादित्य के समय का मंदिर है। आपने कभी कथा सुनी होगी कि राजा विक्रमादित्य को 7.5 ही लगे थे, उनके पास नोगरा देवता न्याय कराने आए थे, वही कथा का यह मंदिर माना जाता है। महत्वपूर्ण से यदि अपन संक्षिप्त में ना जाते हुए यदि उसको थोड़ी सी लघु रूप में देखा जाए तो उस कथा का महत्व यह है कि नोगरा देवता में आपस में एक बार विवाद हो जाता है। विवाद होने के पश्चात नोगरा देवता उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य से न्याय कराने आते हैं और राजा विक्रमादित्य से कहते हैं कि आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य उनके धातु के अनुसार नोगरों का न्याय करते हैं, उनके सिंहासन बनवा देते हैं। धातु के अनुसार न्याय करने पर सूर्यदेव सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि लोहे की धातु शनि की होती है और स्वर्ण की धातु सूर्य की होती है जी। इसलिए स्वर्ण से महत्वपूर्ण कोई धातु नहीं होती, इसलिए सबसे बड़े सूर्य होते हैं और लोहा की धातु होने के कारण शनि महाराज को छोटा बता देते जी, जी। तब से राजा विक्रमादित्य में शनि की 7.5 ही प्रारंभ होती है। उसके पश्चात राजा विक्रमादित्य को अनेक कष्ट भोगना पड़ते हैं। उज्जैन नगरी में शनि महाराज घोड़े बेचने वाला का रूप धर के आते हैं। राजा विक्रमादित्य घोड़े की सवारी करते हैं, घोड़े की सवारी करने की वजह से वो चंपावती नगर में पहुंचते हैं, वहाँ पे उनको चोरी का कलंक लगता जी, है, हाथ पैर कटा दिए जाते हैं। जब 7.5 ही उनकी पूर्ण होती है, उसके पश्चात राजा विक्रमादित्य को शनि महाराज प्रकट होकर वरदान देते हैं
कि मैं तेरे पास न्याय कराने आया था, अब तू मांग क्या, वरदान मांगता है जी। तो राजा विक्रमादित्य अपने आप में एक चतुर व्यक्ति थे जी जी, इसके कारण वो वरदान मांगते हैं कि मेरे ऊपर यदि आपकी इतनी दृष्टि है जी, आम व्यक्ति के ऊपर आपकी कितनी दृष्टि होती होगी जी पंडित जी। उस दृष्टि को दूर करने के लिए राजा विक्रमादित्य ने क्या करा, नौग्रह देवता को साक्षात उज्जैन नगरी में प्रकट कर दिया जी। प्रकट करने के बाद उसको मंडल स्वरूप के साथ में उनकी दशा स्वरूप में विराजमान करा जी। दशा स्वरूप में विराजमान करने का मुख्य कारण यह था क्योंकि ग्रहों की पूजा तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति करता है जी जी। लेकिन जब उसकी दशा आती है तो व्यक्ति परेशान होता है जी। तो राजा विक्रमादित्य ने सभी की दशाओं का विशेष पूर्ण रूप से यहाँ पे विराजमान करा जी। जिसमें शनि की दो प्रकार की दशा होती है, एक 7.5 वर्ष के लिए, एक 2.5 वर्ष के लिए, यहाँ पे दोनों विराजमान है। यदि वो साथ में गणेश जी विराजमान है, गणेश जी इसलिए विराजमान है क्योंकि कोई सा भी पूजन यदि अपने कष्टों के निवारण के लिए किया जाता है तो उसमें सर्वप्रथम आराधना गणेश जी की होती है। इसलिए पूरे विश्व में दशाओं के साथ में गणेश जी का होना और पूरे विश्व में दशाओं का होना एकमात्र उज्जैन नगरी में ही है जी पंडित जी। तब से यहाँ पे नौग्रह देवता का पूजन किया जाता है, उनकी दशाओं का पूजन किया जाता है और यहाँ पे विशेषकर शनिश्चरी अमावस्या पर मुख्य रूप से मेला भराया जाता है जी। उस दिन यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आके त्रिवेणी में स्नान करके अपने वस्त्र जूते चप्पल दान करके शनि के यदि एक क्षण के दर्शन कर लेता है तो उसके सारे कष्टों का निवारण होता है जी पंडित जी। इस मंदिर पे ग्रहों संबंधित जितनी कुंडली में दोष बताए गए हैं, सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष, चांडाल योग, कालसर्प योग इत्यादि अनेक जो दोष बनते हैं, सभी दोषों का यदि व्यक्ति यहाँ पे आके शांत करवाता है जी। तो उसको सारे दोषों के अंदर पूर्ण रूप से शांति प्राप्त होती है। जय शनि। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे, पंडित जी काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे को, हमारे पूरे भारतवर्ष में और आगे भी हमारे पूरे संसार में जहाँ जहाँ हमारा ये वीडियो जाता है, ये जो आपने हमको मंदिर के बारे में बताया काफ़ी लोग इसको देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि अपने उज्जैन की धार्मिक नगरी कहलाती है तो ये अधिक से अधिक लोगों को मालूम पड़े कि इस मंदिर का क्या महत्व है, जो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ पंडित जी। नमस्कार। हमारा पंडित जी से मुलाकात होने के बाद में अब पूरी जानकारी मिल गई है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी हमने एकत्र कर ली है। शनि मंदिर आज हमने आपको दर्शन करा दिए हैं, इसका लाभ आप लोग सब लोग ले सकते हैं। आगे भी इसी प्रकार से हम उज्जैन के अंदर काफ़ी मंदिर है, सबके बारे में हम आपको बताएंगे, चर्च है, मस्जिदें हैं, मंदिर है, सभी चीज़ों का हम आपको महत्व बताते रहेंगे कि कौन कौन सी जगह का क्या महत्व है। देखिए बंदरों का उधर जा चुके हैं, बंदर यहाँ से निकल चुके हैं शनि मंदिर से। सब अच्छे से सब दर्शन हो गए शनि मंदिर के, तो हो गया सब काम ठीक है। तो नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार पंडित बैरागी जी, मिल गए थे सब, उनसे हो गई बातचीत सब। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, देखो यहाँ पे सारी पूजा सामग्री के सब सामान है सब की दुकान पे भी। क्या नाम अपनी दुकान का? शनिराज पुष्प भंडार के नाम से है। ये देखिए बोर्ड, कभी भी आप लोग आते हैं तो यहाँ से सामान वगैरह लीजिएगा। दरियाव सिंह जी क्या है प्रोप्राइटर यहाँ पे। ये जय शनिदेव।